गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ईगर एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। आ गया है मेरे बाइक पे सिक्किम की सफर का आखिरी अध्याय। अभी हम लोग हैं कोलाखाम में। कल शाम को 5:30 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और तब बहुत ज़ोर से बारिश भी हो रही थी, हेल स्टॉर्म भी हो रहा था। और कोलाखाम आने का जो रास्ता है उसका लास्ट 6-7 किलोमीटर लावा से बहुत ही रफ रोड है, ऑफ रोड भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए थे, तो कल व्लॉगिंग करने का मौका नहीं मिला। आज यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद निकल के NGP चले जाएंगे और फिर ट्रेन पकड़ के कोलकाता। रास्ते से आप लोगों से बात। कोलाखाम में हम लोग छांगे फॉल्स जाने वाली रास्ते की हेयर पिन बेंड में स्थित एक डुप्लेक्स होमस्टे में रुके थे। इस होमस्टे में अंदर आने का रास्ता पीछे की तरफ है, और वहाँ पे एक काफ़ी बड़ी जगह भी है जहाँ पे हम लोगों ने रात को अपनी बाइक्स पार्क किए थे। इस लकड़ी के बिल्डिंग में 2 डुप्लेक्स कमरे हैं, और हर कमरे में 4 लोग आसानी से रह सकते हैं। नीचे वाले हिस्से में एक बालकनी, बाथरूम और एक डबल बेड है, और अगर लकड़ी के सीढ़ियों से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे मिलेगा और एक डबल मैट्रेस 2 और लोगों की रहने के लिए। इन डुप्लेक्स कमरों की अंदर की दीवारें पाइन लकड़ी के पैनल से बने हुए हैं, और इनके फर्श पे कारपेट है। ये बिल्डिंग के ऊपर के माले में है, और इसके नीचे के माले में एक रसोई घर और खाने का जगह है, जहाँ से 3 में 3 बार स्वादिष्ट पकवान अतिथियों के लिए बनाया जाता है। एक बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते के बाद हम लोग निकल पड़े लाभा के ओर। सुबह की चगमगाती रोशनी में न्यावड़ा वैली नेशनल पार्क के बीच राइड करने का अनुभव कुछ अलग ही था। पार्क से निकलने से थोड़ा पहले हम लोगों को लाभा शहर का एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। तो ये लाभा शहर है, वो ऊपर जो लाल कलर का बिल्डिंग दिख रहा है वो लाभा का मोनेस्टरी है, बहुत ही सुंदर है। और ये शहर के चारों तरफ बहुत ही घने पाइन के जंगल हैं। तो इस बार तो अच्छी तरीके से ये घूम नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम आके घूमेंगे। एक बार कालिम्पोंग साइड का भी एक ट्रिप करना पड़ेगा। और अभी हम लोग न्यावड़ा वैली नेशनल पार्क के अंदर हैं। ये जो रोड है यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, नीचे उतरते ही गेट से बाहर होके हम लोग हाईवे पे आ जाएंगे, और फिर हाईवे पकड़ के सीधा NGP की तरफ चले जाएंगे। फ़ोटो लेने के लिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग न्यावड़ा वैली नेशनल पार्क की एंट्री गेट के तरफ बढ़ने लगे। एंट्री गेट पे पहुंच के हम लोग रुक के पूछे भी थे कि पार्क से निकलने वक्त कोई साइन करने का या ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी है या नहीं, लेकिन उन लोगों ने हमें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग वहाँ से निकल के मेन हाईवे पे बहुत आसानी से पहुँच गए। अलगड़ा से दामडीम होके NGP की तरफ जाने वाली सड़क पे आने के बाद हम लोग बहुत ही तेज़ी से नीचे के तरफ उतरने लगे। थोड़ा नीचे उतरने के बाद हम लोगों को रास्ते के दोनों तरफ बहुत ही सुंदर चाय के बगीचे दिखे। चाय के बगीचों के बीचों बीच से जाने वाली ये सुंदर पहाड़ी रास्ते पे राइड करने का अनुभव काफ़ी अनोखा था। ये पूरा सड़क बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसमें भी कोरुवातन वाला हिस्सा मुझे सबसे अनोखा और आकर्षक लगा।
थोड़े ही देर में हम लोग पहाड़ से नीचे उतर के दामडिम के पास गौहाटी से सिलीगुड़ी जाने वाली राष्ट्रीय सड़क में जुड़ गए। चाय के बगीचे अब तक हमारे साथ ही थे। कुछ देर बाद हम लोग तीस्ता नदी के पास पहुंचे और इसके किनारे वाले रास्ता पकड़ के कोरोनेशन ब्रिज की तरफ बढ़ने लगे। कोरोनेशन ब्रिज पार करने के बाद सेवॉक होते हुए हम लोग आखिर जाके पहुंचे एनजेपी। एनजेपी पहुंचते ही पहला काम जो हमने किया वो है कि हमारे जो बाइक्स है उनको पार्सल की तौर पे ट्रेन में बुक कर दिया। ये करने का तरीका इस सीरीज़ के पहले अध्याय में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता करना है तो वो अध्याय ज़रूर देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाइक को ट्रेन में पार्सल करने के बाद हम लोग भी रात की ट्रेन में चढ़ के सुबह पहुँचे कलकत्ता। मेरे बाइक पे सिक्किम की सफ़र का ये अध्याय और ये सीरीज़ यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो अपलोड होने के साथ साथ आप लोगों को पता चले। फिर मिलेंगे अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।